हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनीथिंग पर। आज हम राइस उपमा बना के तैयार करेंगे। राइस उपमा बनाने के लिए मैंने 1 कप उपमा वाले ये चावल ले लिए हैं। ये चावल बिल्कुल इक्वल पीसीज में टूटे हुए होते हैं और स्पेशल उपमा के लिए आते हैं। बासमती टुकड़ी होती है ये, तो आप इजीली शॉप पे बोल के ले सकते हो, इजीली मिल जाते हैं ये उपमा राइस लेने से। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करके हम इसको बॉयल करेंगे। पानी में इसको डायरेक्ट बॉयल करेंगे, लगभग 80% हम इसको पका लेंगे पानी में, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। और इसके साथ ही कुछ हमने सब्जियां बारीक पीसीज में काट करके ले ली हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब्जियों को कम ज़्यादा ले कर सकते हैं, और इस अगर कोई और सब्जी पसंद है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ता को बारीक पीसीज में काट के ले लिया है। अब हम पैन में घी ऐड करेंगे और घी को अच्छे से तेज़ गरम करेंगे। घी हमारा तेज़ गरम होगा तभी हमारी राई चटकेगी, अगर ठंडे घी में हमने राई डाल दी तो चटकेगी नहीं। तो अच्छे से घी गरम होने के बाद ही हम इसमें राई ऐड करेंगे, और राई जैसे ही हमारी चटक जाएगी इसके साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ दोनों चीज़ें चटकने के तुरंत बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखा था, और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, आलू के साथ भी हमारा प्याज भून जाएगा। धीरे धीरे चलाते हुए पका लेंगे क्योंकि सब्जियों के साथ भी भुनेगा तो अच्छे से भून जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो सब्जी पकने में ज़्यादा टाइम लेगी उसके अकॉर्डिंग एक एक करके सब्जी ऐड करते जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी सब्जियां जल्दी पक जाएं। पूरी सब्जियों को धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे। जैसे ही हमारी सब्जियां पक के तैयार हो जाएंगी, नमक हम इसमें पहले ही ऐड कर देंगे ताकि सब्जी अच्छे से जल्दी पक जाए, और सब्जी को तोड़ के देख लेंगे। जैसे ही हमारी सब्जियाँ पक के तैयार हो जाएंगी हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, और टमाटर को भी हम हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा मैश होने तक नहीं पकाएंगे हम टमाटर को, हल्का पकाएंगे। कुछ हमारा राइस के साथ ऐड होके भी पक जाएगा। और उसके बाद हम इसमें जो हमने बॉयल करके रखे थे राइस, वो राइस ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसको चलाते हुए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है हमारा उपमा। और इसमें हम कोई भी हल्दी या फिर लाल मिर्ची पाउडर नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसकी हरे धनिए से गार्निशिंग कर देंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए इस झटपट सी बनने वाली रेसिपी को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।